बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी एक्यू टीवी से हाजिर हूँ। दे कैन नेवर बी अ कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के ये अल्फाज अपने आप में एक पैगाम है दुश्मनों के लिए, तसल्ली है कश्मीर में महकूम हमारे भाइयों के लिए, और एक अज़्म जिसकी इब्तदा बानिए पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान से होती है। कश्मीर मज़हबी, इक्तसादी और माशी तौर पर पाकिस्तान की शहरग है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कश्मीर से और कश्मीर को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकती। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जिसके खत्ते के ऊपर दूरस और मुस्बत असरात होंगे, जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक कर दी गई है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत और दरपेश चैलेंजेस के बायस इस खित्ते की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज और सियासी हकूमत के माबैन एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशन हो, जो हमें बाजवा साहब के मुद्दत मुलाजमत के दौरान अपने एजाज पर नज़र आया और फिर बड़ी बड़ी कामयाबियों की दास्तान रकम होते हुए नज़र आई। मुल्क दुश्मन अनासर की पसपाई, मिलिट्री डिप्लोमेसी, सऊदी अरब, कतर, ईरान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली और चाइना के साथ ताल्लुकात का एक नई जहत पर आ जाना, बाजवा डॉक्ट्राइन, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, बलोच अलैदगी पसंदों का दोबारा से कौमी धारे में शामिल होना, कुलभूषण की गिरफ्तारी और हिंदुस्तान की दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब, अभिनंदन की गिरफ्तारी और फिर वापसी, साथ ही साथ करतारपुर राहदारी का आगाज़, जहां कमर जावेद बाजवा की पेशावराना सलाहितों का मुंह बोलता सबूत है, वहीं इस बात की भी गमाज है कि जनरल साहब कमाल की जहानत के मालिक हैं। आज की इस वीडियो में सितारों की रोशनी में जहां जनरल साहब की शख्सियत का जायज़ा लेंगे, वहीं देखेंगे कि आने वाले 3 सालों में ये क्या कारहाए नुमाया सर अंजाम देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 11 नवंबर 1960 कराची में पैदा हुए। वैदिक सिस्टम के मुताबिक उनका ताले बुर्ज कौस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है, जो अपने ही बुर्ज यानी बुर्ज कौस में नहायत बाकुवत अंदाज में बराजमान है, जबकि सैयारा कमर बुर्ज सरतान में, जो इसका अपना घर है, और शम्स बुर्ज मैजान में हबूत याफ्ता है। कौसी अफराद सच्चाई पसंद, इल्म से मोहब्बत करने वाले, फलसफियाना सोच के मालिक और एडवेंचरर होते हैं, लेकिन शम्स की बुर्ज मैजान में मौजूदगी जो मुहिम जोई की खसूसियात को कंट्रोल करती है। बुर्ज कौस का ताल्लुक आइन और कानून से भी है। जनरल साहब हर सूरत हाल में आइन और कानून की पासदारी करेंगे। इसका सबूत ये है कि वो शुरू से ही कह रहे हैं कि फौज आइन और कानून के साथ खड़ी है। जनरल साहब का कमरी बुर्ज यानी मून साइन सरतान है। बुर्ज सरतान अपनी फैमिली, अपने घर और अपने वतन से गहरी वाबस्तगी और मोहब्बत रखता है। अपनी फैमिली में अपनी वालदा के करीब होता है और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। लिहाजा ये बात यकीनी है कि जनरल बाजवा अपने वतन और अपनी कौम के लिए खासे जज्बाती अंदाज में सोच सकते हैं, और जज्बाती सोच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उनकी सच्चाई पसंदी दूध को दूध और पानी को पानी कहे बगैर नहीं रह सकती। जनरल कमर जावेद बाजवा की पैदाइश चांद की मंजिल अश्लीशा में हुई है। इस मंजिल पर जहानत का सैयारा अतारद हुक्मरान है। अश्लीशा के संस्कृत में मायनी लिपटने वाला के हैं। इसे चिमटा हुआ सैयारा भी कहते हैं। इस मंजिल का बुनियादी मुहर्रक मज़हब है। एक आरफाना कुवत, रूहानी आगही और बरक्याती सलाहियत का यहाँ इजहार होता है। सैयारा अतारद इस मंजिल पर हुक्मरान है जो जहानत,
होशियारी और चलाकी का नुमाइंदा है। गहरे फलसफियाना मुफक्किराना सरायत करने वाले ज़हीन दिमाग की नमूद देखने में आती है। अश्लीषा एक नहायत मुश्किल और पेचीदा कमरी मंजिल है जो इंसान को गैर मामूली कारकर्दगी और कारनामों की तरफ लेकर जाती है। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने कुछ अरसा कबल अपनी एक वीडियो जिसमें जनरल साहब का तफसीली जायचा डिस्कस किया था, तो उनके जायचे की रोशनी में ये बताया था कि हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत सादा और बहुत सीधे इंसान नहीं हैं। ये उन ही सिक्कों में अदायगी करेंगे जो उन्हें वसूल होंगे, लिहाजा हमारे दुश्मन को किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जनरल बाजवा के जायचे में मरीख का दौरे अकबर और जोहरा का दौरे असगर जारी है, और ये बात यहाँ पर वाज़े होती है कि अपने मुल्क, अपनी फ़ौज और अपने जज्बे से मोहब्बत करने की बिना पर उनको मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तोहफ़ा मिला है। मरीख का दौरे अकबर 21 अगस्त 2021 तक जारी रहेगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि जनरल बाजवा अपने इसी अंदाज में ना थकने वाले हैं और ना ही किसी सूरत में दुश्मन को उभरने देंगे, बल्कि जोहल की 20 जनवरी 2020 में तब्दीली उनको दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर मज़ीद उभारेगी। उनके आने वाले 3 साल गुज़श्ता 3 सालों की नस्बत ज़्यादा कठिन और मुहिम जो साल साबित होंगे, और इसमें ये कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदों पर जारी हालिया कशीदगी पाकिस्तान की सियासी इंतज़ामिया से ऐसे ही फैसले की तवक्को करती थी, जिसके बायस जहां मुल्क पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा वहीं इसका विकार भी बुलंद होगा। यही हमारी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है। आमीन या रब्बुल आलमीन।